हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कई प्रकार के विटामिन की जरूरत पड़ती है। अगर उनका पर्याप्त मात्रा में हमें ना मिले तो हमारे कई सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो उसमें से एक जरूरी विटामिन होता है विटामिन B12। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो इसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। इसको जो लक्षण होते हैं उसे पहचानना इतना आसान नहीं होता है, हर कोई इसे नहीं पहचान पाता है, तो जिसके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है फ्यूचर में। बट आप लोग इस वीडियो पे आ गए तो आप लोग को आज सारे राज पता चल जाएंगे किस तरह से पहचानना है और आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, बिकॉज आप है बी हेल्दी इंडिया के सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर। तो अगर आप जो पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। विटामिन B12 को साइंटिफिक भाषा में कोबला माइन भी कहा जाता है। विटामिन B12 शरीर को आपके फिट तो रखता है, साथ में जो फंक्शन होते हैं बॉडी के उसको भी यही करवाता है। तो विटामिन B12 के जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला जो लक्षण है, कमजोरी महसूस होना या जल्दी से थक जाना। बहुत जल्दी आप कोई भी काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं थोड़ी सी देर में। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर है आपको बहुत ज़्यादा आलस आना, बहुत ज़्यादा नींद आना। जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है उनको पाचन शक्ति इनकी कमजोर हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, सिर में दर्द बना रहता है, हाथ पैर में झुनझुनी महसूस होती है, मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, कान में आवाज़ सुनाई देती है, कोई आवाज़ नहीं होती फिर भी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है, धड़कन उनकी तेज हो जाती है, हार्ट बीट, मुँह में छाले होना, याददाश्त कम होने लगती है, आँखें कमजोर होने लगती है, चिड़चिड़ा रहते हैं, साथ में अनियमित मासिक, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन B12 की वजह से। तो अब इसको कैसे पता कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, वो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो फ्रेंड, अभी तक जो मैंने आपको विटामिन B12 के बारे में बताया, जो इसके लक्षण थे, तो उससे आप मान सकते हैं कि आपको कमी हो सकती है। बट अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। जैसे कि पहला टेस्ट मैं आपको बता देता हूं, उसे बोलते हैं सीरम विटामिन B12 टेस्ट। ये एक तरह का एक ब्लड की जांच की जाती है जिसमें ब्लड के सैंपल को लिया जाता है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें विटामिन B12 की मात्रा को पता लगाया जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट में जिसमें आपके एंटीबॉडीज की जाँच की जाती है, इसके साथ में आपका परनीसियस अनिमिया का निदान किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा बोन मैरो बायोप्सी। इस टेस्ट में हड्डी के जो मज्जा होते हैं उसकी मात्रा को थोड़ा सा निकाल के उसमें फिर एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसमें पता लगाया जाता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। और जो चौथा टेस्ट होता है उसे बोलते हैं शीलिंग टेस्ट। इस टेस्ट में रेडियो एक्टिव के द्वारा पता लगाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड, मैंने आपको जो ये चार टेस्ट बताए, इन चारों में से आप कोई भी एक टेस्ट करवा के पता लगवा सकते हैं। जो मैंने आपको लक्षण बताए, आपको आलस आना, सिर में दर्द होना, अनियमित मासिक होना, उसके साथ में आपको याददाश्त कमजोर होना, नज़र का कमजोर होना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप जरूर एक कोई टेस्ट करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे भी साल में एक बार तो टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, आपको फुल बॉडी चेकअप तो करवाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और विटामिन की कमी निकल आए, बट आप एक बार टेस्ट जरूर करवाइए साल में एक बार, अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखता है तो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, किस तरह से उस कमी को दूर किया जाए, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए जरूर बना के लाऊंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद आई तो इसको लाइक तो करना ही है आपको, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।